नमस्कार। आज का ये मेरा वीडियो स्टेयरकेस पर आधारित है। सीढ़ियों का वास्तु में एक बहुत महत्व है। सीढ़ियां जो होती है वो आपके घर का सबसे भारी हिस्सा मानी जाती हैं, और आप अपने घर की स्टेयरकेस कहाँ पे रख रहे हैं प्लानिंग करते हुए, या कहाँ पे आपकी ऑलरेडी स्टेयरकेस है, वो बहुत डिटर्मिन करती है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे स्टेयरकेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कौन सी स्टेयरकेस से क्या प्रॉब्लम आती है, और आप जो एग्जिस्टिंग स्टेयरकेस हैं उनको आप कैसे थोड़ा सा नलिफाई कर सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेयरकेस से। स्टेयरकेस की कुछ बहुत ही स्पेसिफिक जगहें होती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न उसमें सबसे खराब जगह मानी गई है। देखिए, स्टेयरकेस हमेशा रिप्रेजेंट करता है भार को। नॉर्थ ईस्ट में आप सभी जानते हैं कि कोई भी भारी चीज नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा देखेंगे कि जिस घर में नॉर्थ ईस्ट स्टेयरकेस होती है उस घर में या तो फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल में कैंसर भी उसी प्रकार के घरों में ज्यादा देखे गए हैं जहां पे नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस होती है, या फिर मिसकैरेजेस, एबॉर्शन या कंसेप्शन ना होना भी उसका एक कारण हो सकता है। तो अगर आप नया घर प्लान कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस बिल्कुल ना बनाएं। नॉर्थ ईस्ट से तात्पर्य होता है नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी, परंतु नॉर्थ ईस्ट लाइन पे बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। उसके बाद साउथ ईस्टर्न स्टेयरकेस की बात करते हैं। अगर आपकी स्टेयरकेस साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ रही है तो फिर भी बेहतर है, परंतु अगर एग्जैक्टली साउथ ईस्टर्न स्टेयरकेस होती है तो वो गलत होती है। देखिए, स्टेयरकेस दो प्रकार की होती है। एक है कि आपके आपका अपना घर है और स्टेयरकेस आपके ही घर का पार्ट है, तो स्टेयरकेस आपका पार्ट हो गई। अपार्टमेंट्स में या बिल्डर फ्लोर्स में स्टेयरकेस एक कॉमन एरिया माना जाता है, तो वो जहां पे भी स्टेयरकेस होगी वो आपके घर का कट माना जाएगा, क्योंकि वो आपका अपना पार्ट नहीं है। और तीसरा होता है जैसे ड्यूप्लेक्स में स्टेयरकेस होती है, जहां पे कि हम इंटरनल स्टेयरकेस की बात करते हैं। इस समय हम लोग एक्सटर्नल स्टेयरकेस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम साउथ ईस्ट स्टेयरकेसेस की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट में जो स्टेयरकेसेस होती हैं वो जनरली घुटनों की प्रॉब्लम देती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज देती हैं, और कहीं कहीं पे वो कंसेप्शन इश्यूज भी दे सकती हैं। लोगों को लगता है भार है, सारा का सारा साउथ वेस्ट में रख दो, लेकिन स्टेयरकेस के साथ भार के साथ साथ वो एक कुआं भी बनाता है, तभी स्टेयरकेस को स्टेयर वेल भी कहा गया है। तो स्टेयरकेसेस कभी भी एग्जैक्ट साउथ वेस्ट लाइन में नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छी जो जगह होती है स्टेयरकेस की वो होती है साउथ वेस्ट, या तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बनाए या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बनाए। इसके अलावा भ्रमस्थान में स्टेयरकेस एकदम ही वर्जित है। जिस घर में भ्रमस्थान में स्टेयरकेस होगी उस घर में हमेशा जो उस घर के लोग हैं वो हमेशा पेट की बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, हमेशा बिना किसी कारणों के वो हमेशा परेशान रहेंगे। तो ये तो कुछ जगह हो गई हमारी प्लेसमेंट ऑफ स्टेयरकेस की, कि कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके डुप्लेक्स की स्टेयरकेसेस नॉर्थ या ईस्ट में आ रही हैं तो आप उन स्टेयरकेसेस को लाइट वेट का बनाइए। आप उनके जो उनके राइजर्स होते हैं वो और ट्रेड और राइजर के बीच में राइजर को पतला रखिए, और अगर आप फ्लोटिंग स्टेयरकेस बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। वो स्टेयरकेस अगर आप वुड की बनाएंगे तो भी उस दोष को आप खत्म करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेयरकेस के अपने नियमों की। स्टेयरकेस हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनानी चाहिए, मतलब जब आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। जब आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हैं तो आपका जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं पर फ्लाइट, ग्राउंड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकेंड, हमेशा ऑड नंबर में होने चाहिए। 3, 5, 11, 13, 15 इस प्रकार के नंबर्स में होने चाहिए। आपके स्टेयरकेस जो है वो कभी भी आपकी मेन एंट्रेंस के सामने आपका स्टेयरकेस नहीं आना चाहिए। स्टेयरकेस के नीचे कभी भी किसी प्रकार का टॉयलेट नहीं बनना चाहिए, किचन नहीं आनी चाहिए, उसके नीचे आप किसी प्रकार का अपना इन्वर्टर ना रखें। आप हमेशा देखिएगा जिन घरों में स्टेयरकेस के नीचे इन्वर्टर होता है वो उस प्रकार की मशीन्स हमेशा आप परेशान करती हैं। स्टेयरकेस के नीचे कभी भी एंट्रेंस से नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी एंट्रेंस स्टेयरकेस के नीचे जाती है तो वो भी एक वास्तु दोष होता है, परंतु उसकी रेमेडीज हो जाती है। स्टेयरकेस आपका कभी भी किचन के सामने नहीं खुलना चाहिए या आपके मास्टर बेडरूम के सामने नहीं खुलना चाहिए। ये छोटे छोटे जो दोष होते हैं ना, ये आपकी जिंदगी में बहुत प्रभाव डालते हैं। स्टेयरकेस मूविंग एनर्जीज होती है, उन एनर्जीज वो जहां पे भी खुलेंगी वहां पे वो एनर्जीज हिट करेंगी और उसके सामने जो भी रूम आएगा वो उसको इफेक्ट करेंगी।
तो आप जब भी स्टेयर केसेस बनाएं हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको सर्वेंट के लिए जैसे एक्सटर्नल स्टेयर केसेस बनानी है तो आप वेस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, और उस एक्सटर्नल स्टेयर केस को, आयरन की स्टेयर केस को थोड़ा सा अपनी वॉल से दूर रख के बनाइएगा। मतलब पूरी की पूरी स्टेयर केस चिपकी नहीं होनी चाहिए, वो बाज से कनेक्टेड हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी चीज़ अपनी वॉल से अटैच करते हैं वो उसका एक्सटेंशन बन जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप स्टेयर केसेस की याद रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको स्टेयर केस की वजह से जो आपके घर में वास्तु की दिक्कतें आ रही हैं उनसे आपको निजात मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे एक बेल का बटन है उसे ज़रूर दबाइए तो आपको पता लगेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।